education is something that has to be understood as a right, not as a privilege. लेकिन 2014 के बाद से तो ये अटैक जबरदस्त तरीके से बढ़ा है हायर एजुकेशन पे. फी इनका इतना हाई फी लेते हैं, कौन पढ़ पाएगा वहाँ पे? अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, तभी वो देश आगे बढ़ पाएगा. वो देश नहीं तो फिर से गुलाम हो जाएगा. आज अभी हम लोग यूजीसी के बाहर खड़े हैं क्योंकि एमएचआरडी के बाहर खड़े हैं क्योंकि यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को ही खत्म करने की बात चल रही है. जो लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के पक्ष में बात करते हैं उनका कहना है कि नया नॉलेज आएगा, फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे, नया नॉलेज, नया टेक्नोलॉजी, ये तो हम सुनते रहेंगे. लेकिन सही बात यह है कि हमारे देश में अभी तक जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, अगर सोशली मार्जिनलाइज भी है और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज भी, वो कहाँ है हमारी यूनिवर्सिटीज में? रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है वो प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होता, आज भी नहीं लागू होता. द फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन विद दैट कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस अंडरस्टूड दैट एजुकेशन कैन नॉट बी द प्रिविलेज ऑफ द मनी. But they have taken Nandita Narayan's number, okay. And they have said they will give an appointment. So we hope they will give an appointment. Okay, so basically, right now nothing. Ha, there is no one. They said. कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हाँ ये भी ट्वेल्थ के बाद इसका क्या फ्यूचर है, ट्वेल्थ के बाद इसका क्या स्कोप है, तो यही है कि या तो आप डीयू में एडमिशन लेते हैं, आप जेएनयू में जाते हैं, अगर आप मिडिल क्लास के हैं, या अपने बच्चों को आईआईटीज में भेजते हैं, तो उन सब इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए आज दरवाज़ा बंद हो जाएगा. अगर जो बेहतरीन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, डीयू, ये ख़त्म नहीं होंगे तो जियो इंस्टीट्यूट में कौन पढ़ने जाएगा? वेदांता के यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ने जाएगा? द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी, द इनजस्टिस इन द सोसाइटी कैन ओनली बी फॉट इफ यू आर एजुकेटेड एंड इफ यू अंडरस्टूड हाउ समबडी इज एक्सप्लॉइटिंग यू, समबडी इज अनजस्टली टेकिंग अवे योर राइट्स. सो इन दैट सेंस एजुकेशन कैन नॉट बी द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव. तो इंस्टीट्यूशंस को एकेडमिक ऑटोनॉमी मिले लेकिन फाइनेंशियल जो सपोर्ट होगा वो सरकार देगा, ये एक हायर एजुकेशन को हम लोग इमेजिन करते हैं. लेकिन ये सरकार ने बिल्कुल इसका उल्टा किया है. जितना भी इंटरफेरेंस, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना चाहिए, वो ये सरकार कर रहा है इंस्टीट्यूशंस के अंदर ज़बरदस्त तरीके से, चाहे जेएनयू में बोल के करे कि इस्लामिक टेररिज्म का कोर्स पढ़ाया जाए या अलग अलग तरीके से. और साथ ही में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसने दे दिया है. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि आप अब हम लोगों से, सरकार से पैसा मत मांगिए, अब सरकार आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, जेएनयू, जामिया, डीयू, हर जगह जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उसको पैसा नहीं देगा, आप खुद से चलाइए. एजुकेशन व्हेन इट गेट्स प्राइवेटाइज्ड विल हैव टू पैंडर to the profit motive of the private initiative. When you have that kind of, you know, rampant, blatant profit motive operating within the sphere of education, then the purpose of education gets defeated. हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जिसके लिए काम करती है वो आम जनता नहीं है, वो कॉरपोरेट सेक्शन है. उनके प्रॉफिटियरिंग के लिए हमारा सारा इकोनॉमिक पॉलिसी और सब कुछ उसी तरफ जेनरेटेड है, उसी तरफ डायरेक्टेड है. यू नो, यू हैव द एंटायर एक्सप्लॉइटेटिव स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन विल अनरैवल दैट एक्सप्लॉइटेटिव स्ट्रक्चर फॉर यू. यू नो, बीइंग अ वुमन, आई नो दैट इन्वेस्टमेंट फॉर अ गर्ल, फॉर अ डॉटर इज अ बैड इन्वेस्टमेंट कंसीडर्ड बाय एवरेज इंडियन फैमिली. साइंटिफिक टेंपर,
secular understanding, equal opportunity, no gender discrimination. All these things are equally or very important in the constitutional nation that we have. While in reality, on the streets, these are the values that are getting debased, or that these are the values that are trashed by muscle power or by privileges, caste, religious and political privileges.